एमयू में बीते 15 दिसंबर को पुलिस से हुई छात्रों की झड़प के बाद 5 जनवरी तक के लिए बंद की गई यूनिवर्सिटी अब खुलने वाली है। इसलिए यूनिवर्सिटी के वीसी प्रोफेसर तारिक मंसूर ने अब छात्रों के नाम एक खुला पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने छात्रों का स्वागत करते हुए कई बातें लिखी है। साथ ही 5 जनवरी को खुलने वाली एएमयू अब चरणबद्ध तरीके से खुलेगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जनसंपर्क विभाग के इंचार्ज ने बताया कि यूनिवर्सिटी के वीसी प्रोफेसर ने तारिक मंसूर ने छात्रों के नाम एक ओपन लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने बताया कि जिस प्रकार 15 दिसंबर की रात को यूनिवर्सिटी में एक प्रकार की से दुर्घटना घटित हुई थी, उस दौरान पुलिस को जो यूनिवर्सिटी कैंपस में बुलाया गया था, उस दौरान यह अफवाह उड़ी थी कि जामिया मिलिया इस्लामिया के 2 छात्रों की मौत हो गई है। उस दौरान हमारे कुछ छात्र गुस्सा हो गए थे, तो उनको वहां से भगाने के लिए पुलिस बल बुलाई गई थी। अगर उस दौरान पुलिस ने किसी भी स्टूडेंट के विरुद्ध कोई कार्रवाई या ज्यादती की है, तो उसके लिए यूनिवर्सिटी ने एक टीम जांच के लिए गठित की है। इस पर वीसी ने कहा है कि लड़कों को कोई भी हानि नहीं पहुँचाई जाएगी। तो 6 जनवरी को अब यूनिवर्सिटी वापस से खुलने वाला है, जिसको लेकर वाइस चांसलर ने एक ओपन लेटर सभी छात्रों को भेजा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारी यूनिवर्सिटी ने एक टीम गठित की है और इस टीम के ज़रिए किसी भी तरह की ज्यादती अगर पुलिस की तरफ से हुई होगी तो उस पर जांच की जाएगी। स्टूडेंट्स को किसी भी तरह की हानि नहीं पहुंचाई जाएगी और स्टूडेंट्स चाहें तो कॉलेज में आने के बाद इसको लेकर टीम से मुलाकात कर सकते हैं, अपनी जो भी परेशानी है वो दर्ज करा सकते हैं। के कुलपति प्रोफेसर तारिक मंसूर ने छात्रों के नाम अपना एक लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो फिर से यूनिवर्सिटी में जो छात्र चले गए थे उनका यहाँ पर फिर से स्वागत करने के लिए तैयार हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि यूनिवर्सिटी जो है चरणबद्ध तरीके से खुलेगी और जिसका शेड्यूल का कब से कौन से क्लासेस शुरू होंगे इसका ऐलान बहुत जल्द किया जाएगा। वाइस चांसलर साहब ने अपने एक लेटर में ये भी कहा है कि 15 दिसंबर की रात को जो दुर्घटना हुई थी, जो जिस तरह से वाक़यात पेश आए थे, उस पर जिस तरह से पुलिस को जो बुलाया गया था उसका कारण ये था कि वो जो जामे मिलिया में के बारे में एक अफवाह फैल गई थी कि वहाँ 2 छात्रों की पुलिस फायरिंग से डेथ हुई थी, इसके कारण जो हमारे जो स्टूडेंट थे वो उत्तेजित हो गए थे, तो उनको तितर बितर करने के लिए, उनको वहाँ से हटाने के लिए सिर्फ पुलिस बुलाई गई थी और इसका और कोई मकसद नहीं था। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं, यह 15 दिसंबर की तस्वीर है जहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उस दिन छात्रों और पुलिस के बीच में यह इस तरह की वारदात हुई थी, जिसको लेकर कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया था 5 जनवरी तक, और अब 6 जनवरी को फिर से यूनिवर्सिटी खुलने वाला है। और इसके मद्देनज़र वहां के वाइस चांसलर ने एक ओपन लेटर स्टूडेंट्स को लिखा है। तुम्हारे साथ सुनीता बघेल संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। सुनीता, हमें ये खबर अभी मिल रही है कि 6 जनवरी को फिर से जो यूनिवर्सिटी खुलने वाली है, उससे पहले वाइस चांसलर ने एक ओपन लेटर स्टूडेंट्स को लिखा है। उन्होंने बताया है कि एक कमेटी गठित की गई है जो पूरे मामले की जाँच कर रही है। अगर स्टूडेंट्स को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी झेलनी पड़ी थी पिछले 15 दिसंबर को, तो उसको लेकर वो उस टीम के पास जा सकते हैं, अपनी परेशानी अपनी बातों को वहाँ रख सकते हैं और स्टूडेंट्स को किसी तरीके से कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। फिलहाल ये टीम के गठन के बारे में क्या जानकारी है आपके पास? संदीप, आपको बता दें कि 15 तारीख के बवाल के बाद प्रशासन द्वारा छुट्टी कर दी गई थी और जो हॉस्टल से वो खाली करवाए गए थे, क्योंकि जिससे कि आगे कोई किसी भी तरीके की दुर्घटना न देखने को मिले। तो अब इसमें एमयू प्रशासन ने एक नया वो निकाला है कि उसमें एक लेटर जारी किया है जिसमें कि स्टूडेंट अपनी बात को रख सकते हैं और उनसे जुड़ी हुई किसी भी परेशानी को वहां जाके कह सकते हैं। इसमें अभी कोई ज्यादा जानकारी उन्होंने नहीं दी है, बस उन्होंने इतना बताया है कि एक लेटर जारी किया है जिसमें कि स्टूडेंट को किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो, उसे उसमें आके आराम से अपनी स्टडी को रेगुलर कर सकते हैं।
जी साथ ही सुनीता ये भी कहा गया है कि जो 6 जनवरी को फिर से यूनिवर्सिटी खुलने वाली है उसमें चरणबद्ध तरीके से सभी स्टूडेंट्स आएंगे, तो इसको लेकर क्या कुछ तैयारी की जा रही है, क्योंकि पिछले दिनों इस तरह की स्थिति बनी हुई थी, तो अब जब एक बार फिर से यूनिवर्सिटी खुल रही है तो सुरक्षा के लिहाज से एहतियातन तौर पर भी यूनिवर्सिटी बहुत सारे कदम उठा रही होगी। हाँ, आपको तभी बता दें कि एमी प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और इधर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट है। उसमें उन्होंने कहा है कि इसमें किसी की भी गलती होगी जिसमें कि स्टूडेंट हो चाहे पुलिस प्रशासन हो, उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई उस पर की जाएगी और स्टूडेंट अपनी अपनी बातों को यहाँ पे आके रख सकते हैं। हालांकि कुछ स्टूडेंट जो पहले से एमी में मौजूद हैं उसमें उनका कहना है कि वह अपनी जब तक उनकी सुनवाई नहीं होगी और जब तक बीजेपी सरकार उनकी बात को नहीं सुनेगी तब तक वह अपना धंधा भी खत्म नहीं करेंगे और अपनी पढ़ाई को आगे नहीं बढ़ाएंगे। जी, जैसा सुनीता आप बता रही हैं कि कुछ स्टूडेंट्स ऑलरेडी अभी यूनिवर्सिटी में भी मौजूद है, वो धरने पे बैठे हुए हैं, और ऐसे में क्या जब 6 जनवरी को फिर से स्टूडेंट्स आएंगे वो ज्वाइन करेंगे यूनिवर्सिटी को, तो क्या पढ़ाई को लेकर भी कुछ यूनिवर्सिटी के तरफ से कुछ ऐसा बताया गया है कि क्लासेस नॉर्मल तरीके से चल पाएगी, एग्जाम्स जो कि रोके गए थे या सारी जो भी नॉर्मल शेड्यूल है यूनिवर्सिटी का वो फिर से नॉर्मल रहेगा, या अभी भी कुछ संभावना जताई जा रही है कि जो स्टूडेंट्स धरने पर बैठे हुए हैं वो क्लासेस को रोक सकते हैं? हाँ, यूनिवर्सिटी में एक जो एक संगठन जो मतलब बनाया गया है, कमेटी जो बनाई गई है, वो इसी तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनाई है, जिसमें स्टूडेंट जो धरने पर बैठे हुए हैं उनको भी बुलाया जाएगा और जो 6 तारीख से जो क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं उस चीज से भी बात की जाएगी। जी सुनीता, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए।